जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराधियों की धरपकड़ हेतु थाना स्तर पर टीम गठित की गई और टीम ने अपना काम शुरू किया। पतारसी के दौरान ही दिनांक सोमवार को विश्वसनीय मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर दीपक पिता रामकिशन विश्वकर्मा और गंभीर सिंह पिता माधो सिंह घोसी राजपूत के साथ सुनील धोवी पिता राजू धोवी को पकड़ा गया, जिनसे बारीकी से पूछताछ करने पर कस्बा कुरावर में हेमंत मालपानी एवं कैलाश सक्सेना के सुने मकान में सोने चांदी के जेवरात, लैपटॉप, हार्ड डिस्क आदि चोरी करना स्वीकार किया। बदमाशों से चोरी के संबंध में बारीकी से पूछताछ करने पर चोरी किए गए सामान को विधिवत रूप से जब्त किया गया। पुलिस के द्वारा 45 तोला सोने के आभूषण, 1 किलो बजनी चांदी के आभूषण, 1 लैपटॉप एवं हार्ड डिस्क आदि कुल 25 लाख रुपए कीमत का सामान विधिवत जब्त किया गया। लंबित मामलों के निराकरण के लिए पहचाने जाने वाले थाना कुरावर के नवागत थाना प्रभारी राम नरेश राठौर द्वारा मामले में तत्परता से विवेचना की, जिसके चलते आरोपियों की गिरफ्तारी में उनकी टीम उप निरीक्षक योगेंद्र गायकवाड़, ASI मेहरवान सिंह कुमकार, मेहरवान सिंह मैचन, आरक्षक विकास यादव, विश्वास राय, वीरेंद्र मौर्य, मुकेश मीणा, हेमराज यादव, राजेंद्र वर्मा, संदीप विश्वकर्मा एवं महिला आरक्षक पूजा मालवीय की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मामले में तकनीकी सहायता उप निरीक्षक राम सिंह रघुवंशी सहित टीम के आरक्षक शशांक सिंह यादव एवं आरक्षक रवि कुशवाहा द्वारा प्रदान की गई, जिससे मामले में आरोपियों को शीघ्र राउंडअप किया जा सकता है। राजगढ़ से मुकेश अहिरवार की रिपोर्ट। हुई थी एक घटना में, दो बड़ी घटनाएं हुई थी जुलाई 2019 में। हेमंत मालपानी जी हैं, इनके घर से इनके जो इनकी बहू का सामान था, सोने चांदी के जेवर थे, इसकी 13-14 जुलाई की दरमियानी रात यहाँ से चोरी हुई थी, जिसमें काफ़ी सोना चांदी के जेवरात जो है चोरी चले गए थे। सिमिलरली एक घटना 2020 में हुई थी, 16-17 फरवरी की दरमियानी रात हुई थी। ये जो घटना थी ये कैलाश नारायण सक्सेना जी के यहाँ पर हुई थी। इनके यहाँ भी सेम घटना थी, विवाह कार्यक्रम में सभी लोग बाहर थे, उसी दौरान चोरी हुई थी, जहाँ से काफ़ी सारा आभूषण, चांदी के जेवरात वगैरह और कुछ नकदी जो है चोरी चला गया था। एक और जो घटना है वो लैपटॉप और मॉनिटर चोरी से रिलेटेड है, वो भी यहीं पर दर्ज की गई थी। पिछले एक महीने से जब से नए थाना प्रभारी और SDOP साहब ने चार्ज लिया है, हम लोगों ने एक महीने से जो अभियान चला रखा है उसमें जो पुराने आपराधिक मामले हैं जो हमारे पेंडिंग है, हम लोगों ने पूरे जिले में उनकी पतारसी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें हर तरह की मदद हम लोग ले रहे हैं। करीबन हम लोगों ने 200 से 250 ऐसे असामाजिक तत्वों को आइडेंटिफाई भी किया है, जिनके विरुद्ध हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसी कार्रवाई के दौरान इनको सूचना प्राप्त हुई कि दीपक पिता रामकिशन विश्वकर्मा 25 साल, गंभीर सिंह पिता माधो सिंह घोसी राजपूत ये 35 साल के हैं और सुनील धोबी ये 30 साल के हैं। ये सभी यहीं के लसुल्डी और रामनाथ के रहने वाले हैं। इन तीनों के द्वारा ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि ये घटनाएं कारित की गई थी। जब इन तीनों को पकड़ के पूछताछ की गई तो इन्होंने ये सभी घटनाएं कबूली हैं। इसमें टोटल जो सामान जो मशरूका पुलिस ने जब्त किया है, इसमें करीबन 45 तोला यानी कि 450 ग्राम सोने के आभूषण है, जो आप लोग देख सकते हैं। 1 किलो के आसपास चांदी के आभूषण है अलग अलग तरह के, वो भी आप लोग देख सकते हैं। एक लैपटॉप भी है, एक हार्ड डिस्क भी है। इस तरह से टोटल जो अमाउंट है, जो कीमत है इस पूरे मशरूका की, 25 लाख रुपए है। ये इस पूरे जो पतारसी हुई है, धरपकड़ हुई है, ये काफ़ी ऐतिहासिक है। इसके लिए मैं पूरी कुरावर टीम, थाना प्रभारी राम नरेश राठौर और उन्हीं के साथ योगेंद्र गायकवाड़, मेहरबान सिंह मेचन, विकास यादव, विश्वास राय, वीरेंद्र मौर्य, मुकेश मीणा, हेमराज यादव, राजेंद्र वर्मा, संदीप विश्वकर्मा और हमारी महिला आरक्षक पूजा मालवीय, इन सभी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। साइबर सेल से इसमें उप निरीक्षक राम कुमार रघुवंशी, साथ में शशांक और रवि कुशवाहा, इनके द्वारा भी मदद की गई है। पूर्व में मेरे द्वारा इन दोनों चोरियों पे 10-10 हज़ार रुपये का इनाम घोषित किया गया था, वो तो इनको मिलेगा ही। साथ में मैं अपनी तरफ से SDOP साहब और पूरी टीम के लिए माननीय DG सर को भी अवार्ड के लिए पत्र लिखूंगा। इसमें एक व्यापारी भी हैं गौरव सोनी नरसिंहगढ़ के, जिनके पास से भी कुछ माल जो इन लोगों ने बेचा था वहाँ पर, वो जब्त किया गया। उनको भी जो संबंधित धाराएं हैं उनमें अपराधिक बनाया गया। गौरव सोनी के पास से कितना माल जब्त किया गया अभी, वो जब्ती में देखना और किन किन धाराओं के तहत उनके इसमें टोटल 457, 380, 411 ये सभी धाराएं लगी। सर ये जो गौरव सोनी आरोपी जो माल इस बारे में बात